दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि आज की वीडियो मैं कंपेयर करने वाला एक बजट ब्रांड को एक नॉन बजट ब्रांड से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस की U1 सीरीज के 55 इंच वाले वेरिएंट को मैं कंपेयर करूंगा LG के UM7300 को 55 इंच वाले वेरिएंट से। और आपको समझ में आ जाएगी कि आपको ये टीवी लेनी चाहिए या फिर ये टीवी लेनी चाहिए। देखेंगे इस वीडियो में सब कुछ। लेकिन स्टार्ट करने के पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाइए, टर्न टर्न शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक तरफ रखता हूँ वन प्लस की टीवी को और दूसरी तरफ रखते हैं LG की टीवी को। दोनों टीवी 55 इंच वेरिएंट वाली है। और अगर बात करें इन टीवी के प्राइसिंग के बारे में, तो ये टीवी में सिर्फ 5 या 6 हज़ार रुपये के प्राइसिंग का डिफरेंस है, जहाँ पे आपको वन प्लस की टीवी मिलती है 50,000 रुपीज़ की, और दूसरी तरफ LG की जो UM7300 वो आपको मिलती है 54 से 55,000 रुपीज़ के आसपास ऑफलाइन मार्केट में। ऑनलाइन में इसका प्राइसिंग मैं कल से चेक कर रहा हूँ और काफ़ी कम ज़्यादा होता है यार। कभी कभी ये 70,000 भी दिख रहा है, कभी ये 54,000 भी दिख रहा है। तो ऑनलाइन के प्राइसिंग में मैं विश्वास नहीं करूँगा। और काफ़ी मेरे फ्रेंड लोग ने LG की टीवी ली है UM7300 और उन्होंने 56,000 के आसपास लिया था 6-7 महीने पहले। तो और ऑलरेडी अभी प्राइस रिडक्शन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये टीवी आपको 55,000 रुपीज़ में पकड़ के चलता हूँ। तो अगर ये टीवी को मैं कंपेयर करूँ प्राइसिंग के मामले में, तो दोनों ही टीवी में 5,000 का फर्क है। तो अब सवाल उठता है कि क्या आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने चाहिए LG की टीवी के लिए, या फिर आपको वन प्लस की टीवी 5,000 रुपये कम में ही ले लेनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इस कंपैरिजन को समझने के लिए ये इसको डिवाइड किया है, इसकी पिक्चर क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी, परफॉर्मेंस, कनेक्टिविटी, डिज़ाइन, ये अलग अलग कैटेगरीज बनाई है जिसके थ्रू आपको आसानी से समझ में आ जाएगी आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पिक्चर क्वालिटी से। सो वन प्लस की टीवी में आपको VA पैनल देखने मिल जाएगा, इसी के साथ ही साथ आपको MEMC का सपोर्ट दिया गया है। और बात करें यहाँ पे बैकलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में, तो डीलेट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जिसको बोलते हैं डायरेक्ट LED। और इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे पिक्चर इन्हांसर के बारे में, तो यहाँ पे वन प्लस यूज़ करता है यहाँ पे गामा इंजन, जिसके थ्रू ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, शार्पनेस और डायनेमिक पिक्चर क्वालिटी को इन्हांस करता है और बहुत अच्छे अच्छे कलर प्रोड्यूस करके आपको दिखाता है। तो ये काम करती है इसकी गामा इंजन वन प्लस की। और इसी के साथ ही साथ बात करें SDR कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तो वन प्लस की टीवी में आपको SDR 10, HLG, डॉल्बी विजन, और यहाँ पे कलर गैमेट की बात करें तो यहाँ पे DCI-P3 93% तक सपोर्ट करता है इस टीवी में। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट के बारे में, तो इस टीवी में 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने मिल जाए। और अब बात करें LG की टीवी में, तो LG की टीवी में आपको IPS पैनल देखने मिल जाएगा जिसके थ्रू बहुत ही अच्छे व्यू एंगल्स देखने मिलेंगे। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे SDR कैपेबिलिटीज़ के बारे में, तो यहाँ पे SDR 10, HLG सभी का सपोर्ट आपको देखने मिल जाएगा। और LG उसका प्रोप्राइटरी डिस्प्ले या फिर बोल सकते हैं पिक्चर इन्हांसर यूज़ करता है AI ThinQ, जिसके थ्रू पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। और बात करें यहाँ पे स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट के बारे में, तो इस टीवी में आपको 50Hz का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट देखने मिल जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी के मामले में यहाँ पे OnePlus और LG दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करे। और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी दोनों की लगभग मैं बोल सकता हूँ सेम तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी है दोनों ही टीवी की। और अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में, तो इस टीवी में OnePlus की टीवी में आपको 30 वॉट का बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने मिल जाएगा। और उसमें जो स्पीकर का सेटअप है उसमें 2 बॉक्स स्पीकर्स हैं और 2 ट्वीटर्स हैं। और बात करें यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में, ऑडियो टेक्नोलॉजी के लिए OnePlus यूज़ करा डॉल्बी ऑडियो और डॉल्बी एटमॉस। और इसी के साथ ही DTS ट्रू सराउंड का सपोर्ट भी देखने मिल जाएगा आपको इस टीवी में। अब बात करें यहाँ पे LG की टीवी के बारे में, तो LG की टीवी में आपको 20 वॉट के बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा कम है ऑडियो आउटपुट अगर मैं कंपेयर करूँ वन प्लस की टीवी से, वहाँ पे आपको 30 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल रहा था और यहाँ पे आपको 20 वॉट का साउंड आउटपुट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे LG का एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट मुझे लगता है। और बात करें ऑडियो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पे LG यूज करता है उसका DTS वर्चुअल एक्स टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू साउंड बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस होते हैं। और यहाँ पे एक नया फीचर है AI एकॉस्टिक ट्यूनिंग जो यूज करता है LG, जिसके थ्रू होता क्या है कि समझ लो आपके रूम में नॉइज है तो जो टीवी का वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा एनवायरमेंट के हिसाब से। जहां पे एकदम साइलेंट है वहां पे वॉल्यूम एकदम कंसिस्टेंट होगी, अगर समझ लो नॉइज आ रहा है तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये फीचर आपको देता है LG UM7300। तो यहाँ पे ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा LG की तरफ। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो OnePlus की UN सीरीज में आपको
आपको एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा। इसी के साथ ही बात करें इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में, तो यहाँ पे वन प्लस की टीवी में आपको 3 GB का रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा हेड्स अप देना चाहूंगा, मतलब भाई वन प्लस ने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे LG की टीवी के बारे में, तो LG की टीवी में आपको वेब OS का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने मिल जाएगा। और जहां तक सवाल है इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में, तो यहाँ LG की टीवी में आपको 1.5 GB का रैम और 8 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने मिला। तो यहाँ पे मुझे लगता है LG माइनस पॉइंट में जाती है इंटरनल स्टोरेज और रैम के बारे में। बात करें टीवी के प्रोसेसर के बारे में, तो दोनों ही टीवी में क्वाड कोर का 64-bit प्रोसेसर लगाया गया, तो यहाँ पे प्रोसेसर दोनों ही टीवी में सेम है, तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने वाली। इसी टीवी की परफॉर्मेंस में कोई भी कंप्लेन नहीं है। और जहां तक सवाल है कंटेंट प्रोवाइडर का, तो इस टीवी में आपको Amazon प्राइम, Netflix, हॉटस्टार, यूट्यूब, Z5 जितने भी कंटेंट प्रोवाइडर है दो के दोनों ही टीवी में परफेक्टली चलने वाले। और यहाँ पे आपको काफी ऐप प्री इंस्टॉल देखने मिल जाएंगे। और यहाँ पे OnePlus की टीवी में आपको ऑक्सीजन प्ले का एक डेडिकेटेड बोलते हैं ना पूरा लिस्ट देखने मिलेगा, जहां पे आपको बहुत सारे कंटेंट ऑनलाइन आप देख सकते हो। तो ये एक एडिशनल फीचर है OnePlus की तरफ से। और बात करें टीवी के कनेक्टिविटी के बारे में, तो दो की दोनों ही टीवी में आपको 3 HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट देखने मिल जाएंगे। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे जो फर्क है, ये जो HDMI का पोर्ट है उसमें एक पोर्ट जो है दो की दोनों टीवी में आर्क पोर्ट देखने मिल जाएगा, लेकिन LG की UM7300 में आपको एक पोर्ट HDMI पोर्ट वाला आपको दिखने मिलेगा। CEC पोर्ट, जिसको बोलते हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पोर्ट, वो आपको सिर्फ LG वाला ही दे रहा है। अब बात करें ब्लूटूथ के बारे में, तो ब्लूटूथ आपको दो के दोनों ही टीवी में देखने मिल जाएगा 5.0 वाला, लेकिन यहाँ पे LG टू वे शेयरिंग वाला फीचर दे रहा है, जिसके थ्रू आप फोन का कंटेंट तो टीवी में देखते ही हो, लेकिन आप टीवी का कंटेंट फोन में देख सकते हो या फिर शेयर कर सकते हो। तो ये आपको टू वे ब्लूटूथ शेयरिंग आपको LG के टीवी में देखने मिलेगा। और बात करें अदर पोर्ट्स के बारे में, तो इस टीवी में जितने भी जरूरी पोर्ट्स होते हैं दोनों की दोनों ही टीवी में आपको देखने मिल जाएंगे। दोस्तों बात करें यहाँ पे इन टीवियों के डिज़ाइन के बारे में, तो दो की दोनों ही टीवी एकदम बेजललेस डिज़ाइन के साथ आती है, लेकिन यहाँ पे एक अलग से बाहर आता है OnePlus का टीवी, जिसमें आपको मेटल की बॉडी और मेटल का टेबल टॉप स्टैंड देखने मिलने वाला है। तो ये एक एक्स्ट्रा मतलब अट्रैक्टिव फीचर होगा OnePlus की तरफ से, जो आपको LG के UM7300 में नहीं मिलेगा। और बात करें टीवी के रिमोट के बारे में, तो OnePlus की टीवी में आपको एक मेटल का रिमोट मिलता है, जिसमें बहुत ही लिमिटेड बटन दिए गए हैं। और यहाँ पे उस टीवी उस रिमोट में आपको डेडिकेटेड कीज भी देखने मिल जाएंगे, गूगल असिस्टेंट का बटन भी दिया गया है OnePlus के रिमोट में। दूसरी तरफ बात करें यहाँ पे LG के रिमोट के बारे में, तो LG आपको प्रोवाइड करता है एक मैजिक रिमोट। LG एक्चुअली में उसको मैजिक रिमोट ही प्रोनाउंस करता है, या फिर उसको उसी ढंग से उसने मार्केट किया हुआ है। तो उसमें बहुत ही भर भर के बटन दिए गए हैं, लेकिन काफी अच्छा है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है उस रिमोट का। ये मैंने पर्सनली यूज किया और मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। तो यहाँ पे दोनों ही टीवी के रिमोट अच्छे हैं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है मुझे यहाँ पे LG का ज्यादा बेटर लगा। और अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट फीचर्स के बारे में, तो OnePlus की टीवी में आपको गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, और आपको LG की टीवी में भी गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपको गूगल असिस्टेंट के साथ ही साथ आपको Amazon Alexa, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit, ये सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करता है LG की टीवी। ये सब फीचर्स आपको OnePlus में देखने नहीं मिलेगा। स्मार्ट कैपेबिलिटीज के बारे में दूसरा पॉइंट होगा कि यहाँ पे OnePlus की टीवी में आपको OnePlus Connect का ऐप देखने मिल जाएगा, जिसमें आप एंड्रॉइड का फोन हो या फिर एप्पल का फोन हो, दो के दोनों ही मोबाइल फोन में आपको ये सपोर्ट देखने मिलेगा। आप ये ऐप डाउनलोड कर लो, इसी के साथ साथ बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट देखने मिल जाएगा, लेकिन आपको LG में सिर्फ और सिर्फ बिल्ट इन क्रोमकास्ट का सपोर्ट देखने मिलता है। इसी के साथ ही साथ कुछ और फीचर्स लेके आता है, एक यूनिक फीचर बोल सकते हो, जिसमें आपको एल्बम शेयर करने का फीचर मिलता है OnePlus की टीवी में, जिससे समझ लो आप कहीं बाहर घूम रहे हो और आप चाहते हो कि आपके फैमिली के साथ वो मोमेंट शेयर करने के लिए कुछ फोटोज भेज के, कुछ वीडियोज भेज के, तो उस समय आप शेयर कर सकते हो डायरेक्टली आपके OnePlus की टीवी में। और आपके OnePlus की टीवी में एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा, जिसके थ्रू आपको एक्सेप्ट करना है, आपके फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे और वो पूरे वीडियोज और फोटोज देख सकते हैं। तो एक ये यूनिक फीचर है जो OnePlus लेके आया हुआ है, लेकिन आपको LG की टीवी में ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही साथ बात करें यहाँ पे कुछ बच्चों के रिस्ट्रिक्शन के लिए एक यहाँ पे किड्स मोड दिया गया, जिसके थ्रू आप उनको OnePlus की टीवी में ये फीचर है। और इस फीचर में होता क्या है कि आप बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक कंटेंट का टाइमिंग सेट कर दो कि वो टाइम पे वो देख पाए, कुछ स्पेसिफिक कंटेंट है वो नहीं देख पाए और ये देख पाए, तो ऐसा कुछ आप कंडीशन डाल सकते हो, लॉक ऐड कर सकते हो। ये आपको फीचर मिलता है आपके
वन प्लस की टीवी में, लेकिन ऐसा कुछ भी आपको एलजी की टीवी में देखने नहीं मिलेगा। तो ये कुछ स्मार्ट फीचर्स है जो आपको ये दोनों ही टीवी में इधर या उधर देखने नहीं मिलेंगे। तो ये प्लस एंड माइनस होता है, ये ब्रांड टू ब्रांड हर ब्रांड में प्लस माइनस तो होता ही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपको एलजी और वन प्लस में देखने मिलेगा। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि एलजी आपको प्रोवाइड करता है होम डैशबोर्ड, जिसमें आपको बोलते हैं ना पूरा का पूरा आप घर में जितने भी स्मार्ट अप्लायंसेस है उसको आप यूज कर सकते हो, या फिर बोलते हैं ना कंट्रोल कर सकते हो इस LG के रिमोट के थ्रू, जो मैजिक रिमोट है। लेकिन आपको ऐसा कुछ भी फीचर नहीं मिलता OnePlus की टीवी में। तो ये एक फीचर हो सकता है भाई कि OnePlus में नहीं मिल रहा है लेकिन LG में मिल रहा है। एक और फीचर है डेटा सेवर का, जो आपको OnePlus की टीवी में देखने मिलेगा। एक समझ लो ऐसा फीचर है जिसमें आप समझ लो कोई भी चाहते हो कि डेटा का लिमिट डाल दो कि भाई 2 GB दिन का यूज करूंगा, उसके बाद उसको उसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो वहां पे आप सेट कर सकते हो। डेटा सेवर का एक फीचर आपको OnePlus की टीवी में देखने मिल जाएगा। हालांकि आपको ये फीचर LG की टीवी में देखने नहीं मिलता। तो यहाँ पे OnePlus अगेन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि स्मार्ट कैपेबिलिटीज में प्लस माइनस आपको देखने मिलेगा, जो एक एक्चुअली में कस्टमर को अट्रैक्ट करता है कि भाई अपने को ये टीवी में ये फीचर मिल रहा है, दूसरी टीवी में ये फीचर मिल रहा है। तो ये कस्टमर अट्रैक्शन के हिसाब से OnePlus ने यहाँ पे काफी कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। और अब एक लास्ट पॉइंट है जहां पे मैं कहना चाहूंगा आपको OnePlus की टीवी में वॉल माउंट होता है उसका आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको LG में फ्री मिलता है। तो दोस्तों यही था पूरा कंपैरिजन इन दोनों ही टीवियों के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि भाई कौन सी टीवी फीचर्स अच्छे दे रही है, कौन सी टीवी पिक्चर क्वालिटी अच्छी है, ये दोनों ही और स्पेसिफिकेशन को हम लोगों ने कंपेयर किया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई OnePlus की टीवी ले या फिर LG की टीवी ले। तो यहाँ पे देखो भाई दोनों ही टीवी के प्लस एंड माइनस पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर मैं LG की बात करूँ UM7300 के, तो यहाँ पे भाई एक LG एक रिप्यूटेड ब्रांड है, लेकिन ये 2019 का मॉडल है जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आपको एक अच्छी पिक्चर क्वालिटी दे रहा है, आफ्टर सेल सर्विस दे रहा है, और यहाँ पे सर्विस बहुत ही मैटर करती है जब भी आप टीवी लो उसके बाद की। दूसरी तरफ बात करें OnePlus के बारे में, तो OnePlus एक बोलते हैं ना नया मतलब ब्रांड है टीवी के मामले में, लेकिन उसकी जो स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग है काफी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस मुझे नहीं लगता कि काफी अच्छी होगी। तो यहाँ पे अगर आप सेल्स बोलते हैं ना सर्विस के बारे में अगर मेजर कंसर्न कि भाई आपको सर्विस अच्छी मिलनी चाहिए, तो मैं आपको OnePlus की टीवी रिकमेंड नहीं करूंगा। आप LG की टीवी लीजिए, काफी खुश रहेंगे। और वहां पे ऐसा कुछ माइनस पॉइंट नहीं है, लेकिन एक चीज है कि भाई वो 2019 का मॉडल है और OnePlus 2020 का मॉडल है। और दोस्तों जैसा मैंने कहा कि प्राइस डिफरेंस होते रहते हैं स्पेशली ऑनलाइन मार्केट में, तो आप हमेशा चेक करते रहिए। और जैसे ही आपको मिलती है टीवी 55,000 रुपीज के अंदर, तो आप LG की टीवी परचेस कर सकते हो। और बाकी OnePlus की टीवी का कॉस्ट तो मैंने बता दिया कि 50,000 रुपीज में। दोनों की टीवी की बाइंग लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो, वहां से और भी डिटेल में भी जान सकते हैं, और वहां से फाइनली आपका अगर डिसीजन ले दो तो परचेस भी कर सकते हो। और इसी के साथ ही साथ अगर आपको वीडियो कोई भी ढंग से अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, लाइक ठोको यार। इसी के साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया जरूर करना। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। हैप्पी काइट। बाय बाय।